दोस्तों Realme लॉन्च करने वाला है इंडिया में अपने Realme GT स्मार्टफोन को बहुत जल्दी, क्योंकि ऑफिशियली Realme ने टीज करना शुरू कर दिया अपने Realme GT 5G स्मार्टफोन को। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें डिजाइन की तो ये स्मार्टफोन 8.4 mm थिक होगा, 186 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। एंड आपको दो बैक वेरियंट्स में देखने को मिलेगा, वैगन लेदर बैक वेरियंट एंड ग्लास बैक वेरियंट में। बात करें इसकी डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा। यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, साथ साथ 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट होगा एंड 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कैमराज की तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा जो कि सोनी का IMX682 सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सेल्फीज के तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का लेफ्ट अलाइन सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 8GB/12GB LPDDR5 रैम होगी, 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज होगा। बात करें बैटरी के तो यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 65W की सुपर डार्ट चार्जिंग आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 to 100% इन जस्ट 35 मिनट्स फुल चार्ज कर देगी। बात करें कनेक्टिविटी के तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, 5x6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा, साथ साथ NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें मल्टीमीडिया के तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का साउंड होगा एंड हाई रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो Realme UI 2.0 पे स्मार्टफोन रन करेगा जो कि Android 11 पर बेस्ड होगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की तो USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट होगा, 3.5mm हेडफोन जैक आपको देखने को मिलेगा, पावर ऑन ऑफ बटन होगा एंड वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सिक्योरिटी की तो फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कुछ और फीचर्स की तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लीनियर मोटर टेक्टिकल इंजन देखने को मिलेगा एंड रियलमी का GT मोड देखने को मिलेगा गेमिंग के लिए। बात करें कलर वेरिएंट्स की तो 3 कलर वेरिएंट्स में इंडिया में आने वाला है, डैशिंग ब्लू, डैशिंग सिल्वर एंड रेसिंग येलो कलर में। बात करें इसके प्राइस की तो आपको 2 वेरिएंट्स में इंडिया में देखने को मिल सकता है, 8GB+128GB वेरिएंट जो कि आपको 31,999 रुपये का प्राइस में देखने को मिल सकता है एंड 12GB+256GB वेरिएंट जो कि आपको 34,999 रुपये के प्राइस में देखने को मिल सकता है। बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो इंडिया में कब लॉन्च होगा, ये दोस्तों स्मार्टफोन अगस्त में इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।